अभी मेरे पास सिक्योर आई का इलेक्ट्रिक लॉक है, जिसका मॉडल नंबर है S-200TL। ये अभी लेफ्ट है, इसे हम राइट करेंगे। तो इसे मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स करके रखा है यहाँ पे, जो लेफ्ट है इस, और इसको हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए दो स्क्रू होता है, जिसे मैंने ऑलरेडी अनस्क्रू करके यहाँ पे रखा है दोनों स्क्रू को। फिर आपको ये पैनल हटा लेना है। और सबसे पहला काम आपको करना है कि ये जो हुक है इसे निकालना है। तो इसको थोड़ा सा आप अंदर की तरफ प्रेस करोगे और ये हुक निकाल लोगे। ये हुक निकालने के बाद यहाँ पे एक लॉक होता है, जिसे मैंने ऑलरेडी निकाला था, इसे लूज ही मैंने लगाया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको निकालना, तो इसे भी आप निकाल लोगे। इसे निकाल के साइड पे रख लो। अब ये बहुत ही आराम से आगे की तरफ से ये निकल जाएगा। इसे निकाल के आप साइड में रख लेना। उसको निकालने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर भी एक लॉक होता है, जिसे आपको हटाने हैं। यहाँ पे देखिए, जिसे मैंने ऑलरेडी अनलॉक करके रखा है, इस टाइप का लॉक होता है यहाँ पे, जिसे हटाना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे एक ये सॉकेट होता है, इसे हटा लोगे आप। इसको हटाने के बाद आपको क्या करना है, इसको तो बाहर की तरफ ही रखना है, इसको बाहर ही खींच के रखना है, और इस पार्ट को अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये जो आपका रॉड है, इस पार्ट को अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो चलिए इसको करते हैं। इसको बाहर की तरफ रखना है और इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। ऐसे ये आराम से निकल जाएगा। तो इसको आपको अंदर की तरफ प्रेस करके ही रखना है, या इसे आप हटा भी सकते हो। ऐसे ऐसे निकाल के इसको साइड में रख लेना। फिर आपको क्या करना है, इसको निकालना है और इसे घुमा के लगा लेना है। ये हमारा पोर्शन लग गया 3 नोज वाला। इसके बाद आपको लगाना है ये। इसके लिए आपको ये स्प्रिंग पहले इधर अंदर करना है। फिर यहाँ पे लाके इसे फिक्स करना है। जिसे यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे प्रेस करना है इसे। ये देखिए लग गया। अब जैसे ऐसे करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पार्ट को पहले ऐसे था, फिर ऐसे घुमा के लगा देंगे।
छोड़िए ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये भी लग गया, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो रोकना जरा। ये चलेगा चलेगा, चेक कर लेंगे। ये लगाने के बाद सबसे पहले ये हुक लगा लोगे आप, ये हुक लग गया। अब बाकी सारी चीज़ें आप फिक्स कर लोगे इसमें। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जैसे ही इसे आप अंदर की तरफ प्रेस करके रखोगे, ये देखें अनलॉक हो रहा है प्रॉपर। तो ये प्रॉपर वर्किंग में है।